हेलो गाइस, व्हाट्स अप, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। कैसे हो आप सब? आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ट्रेंडिंग हैक, ट्रेंडिंग डीआईवाई कह सकते हो आप, दैट इज काली हल्दी। काली हल्दी का फेस पैक, हो गॉड, नाम इतना सुनकर ना मैं मतलब शॉक्ड हो गई थी। पहली बार जब मैंने यूट्यूब पर देखा कि लोग वीडियोज़ बना रहे, तो मैंने सोचा ये क्या है भाई, काली हल्दी क्या है। अभी इसको लेकर तो मुझे थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, तो मैंने किया। मैंने करने के बाद फिर मैंने खुद के ऊपर ट्राई किया है एंड इट वाज अमेजिंग। आई वाज जस्ट शॉक्ड बाय द रिजल्ट्स, क्योंकि वो बिल्कुल एक्टिवेटेड चारकोल वाली जो पैक आती है ना, वैसे ही काम करती है, स्किन को बिल्कुल क्लियर कर देती है। कोई भी दाग धब्बा स्किन पर है, कोई भी झाइया है, ब्लेमिशेज है, उसको धीरे धीरे ख़त्म कर देती है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि ये आप स्टोर करके रख सकते हो, लाइक पाउडर को आप स्टोर करके रख सकते हो, उसके बाद आप 4-5 दिन के लिए बना लो छोटे छोटे बैचेस में, फिर आप दोबारा से बना सकते हो। तो चलो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, काली हल्दी आप कैसे बनाओगे, उसका पैक कैसे बनाओगे, वो डिटेल्स में देख लो। लेकिन वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर करना भर भर के, ताकि हमारा चैनल और भी ऊंचाई तक जाए। अभी बहुत दूर जाना बाकी है दोस्तों, विदाउट योर सपोर्ट इट्स इम्पॉसिबल। और हाँ, ये जो मेकअप लुक आप देख रहे हो, अगर पसंद आ रही है, अगर जानना है ट्यूटोरियल विदाउट फाउंडेशन, विदाउट बीबी क्रीम वाला लुक, तो डेफिनेटली मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट आप चेक करो। वहाँ पर मैंने लाइव मेकअप ट्यूटोरियल शेयर की है, मैं करती रहती हूँ वहाँ पर लाइव मेकअप आपके साथ शेयर। तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया वहाँ पर, प्लीज़ फॉलो लाइव विथ जयश्री माई इंस्टाग्राम अकाउंट। सो फ्रेंड्स, काली हल्दी का पैक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 टेबल स्पून ऑफ किचन हल्दी। ठीक है, आप किचन हल्दी यूज़ कर सकते हो, या तो अगर आपके पास कस्तूरी टर्मरिक पाउडर है वो भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं आज इजी बनाने के लिए किचन हल्दी ही यूज़ करूँगी। गैस को धीमी आंच पे आपको रखना है, ज़्यादा इसको हाई फ्लेम पे नहीं चाहिए, और इसको आप कंटिन्यूसली हल्दी को स्टर करते जाए जब तक इसके कलर डार्क ना बन जाए। बात करते करते आप देख रहे हो कि इसके कलर जो है वो चेंज होती जा रही है, और इसमें फ्लेम भी आपको दिख रही होगी। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इसको चलाते जाए चम्मच को, ताकि ये जले ना। हल्दी का पाउडर आप स्टोर करके भी रख सकते हो, ऐसे इसको ठंडा करके आप स्टोर करके रख सकते हो। मैंने एक कंटेनर में, कांच के कंटेनर में इसको डाल दिया है। अभी हम इसमें डालेंगे शहद। यहाँ पर मैं डाबर का हनी यूज़ कर रही हूँ, आप इसमें 1 टीस्पून ऑफ शहद डाल सकते हो, ज़्यादा नहीं चाहिए हमें। और इसमें आप डाल सकते हो एलोवेरा जेल। ठीक है, एलोवेरा जेल आपके पास जो भी है, जो भी ब्रांड का है, वही यूज़ कीजिए। आप फ्रेशली स्क्वीज्ड एलोवेरा जेल भी डाल सकते हो। इसको हम मिक्स करेंगे, उसके बाद अगर हमें चाहिए होगा फिर हम और एलोवेरा जेल और शहद ऐड कर सकते हैं। हमें क्रीमी लाइक फेस पैक जैसी कंसिस्टेंसी चाहिए होगी। सो ये रही दोस्तों हमारी फेशियल पैक, काली हल्दी का फेस पैक, बिल्कुल पैक जैसी बन गई है। और दिख रही है ना, चारकोल फेस मास्क जैसी, देखो कौन कह सकते ये हल्दी वाली पैक है। इसमें मैंने थोड़ा सा और शहद, बस थोड़ा सा, और 1 पंप एलोवेरा जेल और ऐड किया था ये कंसिस्टेंसी पाने के लिए। फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया मैंने फेस वॉश के साथ। अभी फेस पर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल क्लियर स्किन है। और ये है हमारी काली हल्दी का फेस पैक, इसको हम अप्लाई करेंगे, यानी कि अभी है डेमोन्स्ट्रेशन की बारी। तो चलो देख लो एक ब्रश के साथ अप्लाई करेंगे। अंडर आई एरिया पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने अप्लाई कर लिया काली हल्दी का पैक, आप देख सकते हो। आई एम लुकिंग सो फनी गाइज। लेकिन जब आप फेस को वॉश करोगे, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोई दिखेगी, बिल्कुल क्लियर दिखेगी। ये आपको पैक अप्लाई करना है वीकली 2 डेज, और अगर आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है तो आप हफ्ते में एक बार भी कर सकते हो। ठीक है, अभी इसको ड्राई करने के लिए हम वेट करेंगे फॉर 10 टू 15 मिनट्स,
उसके बाद हम नॉर्मल पानी के साथ या तो लुक वार्म वाटर के साथ फेस को वॉश करेंगे। और जितने भी बचे कुचे हैं इसको आप लेकर हैंड्स पर अप्लाई कर सकते हो। फ्रेंड्स, इस पैक में हमने सिर्फ हल्दी नहीं डाली है। अभी हल्दी का जो गुण होता है वो तो आपको पता ही है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है इसमें। जितने भी रैशेज या तो खुजली या कोई भी एलर्जीज की प्रॉब्लम्स है उसको क्योर करने में हेल्प करती है हल्दी। और इसमें हमने डाला है एलोवेरा जेल। आपको बताए दोस्तों, एलोवेरा जेल की भी बेनिफिट्स काफ़ी हद तक अच्छी है। स्किन को सूथ करती है, काम करती है, स्किन में कोई भी एलर्जीज रैशेज कोई भी इरिटेशन हो उसको क्योर करने में हेल्प करती है और साथों साथ स्किन में मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट भी बरकरार रखती है। और हमने डाला है शहद यानी कि हनी। हनी जो होता है स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करती है, स्किन में अच्छी एक जान ला देती है, सॉफ्टनेस रेडियंस बरकरार रखती है। आफ्टर 15 मिनट्स यू कैन सी कि मेरा जो फेस है बिल्कुल ड्राई आउट हो चुकी है, ठीक है। एंड अभी हम इसको करेंगे वॉश, तो मिलते हैं आपसे आफ्टर वॉश। सो आई वॉश माई फेस, बहुत फ्रेश फील हो रही है गाइज, ज़रूर ट्राई करना ये वाली हैक एंड मुझे कमेंट्स करके बताना आपको कैसी लगी इसका इफेक्ट। और देखो आप, कोई भी स्टेन आपको दिख रही है नहीं दिखेगी, येल्लो वो पीलापन जो दिखता है ना हल्दी वाला फेस पैक से वो नहीं दिखेगी, बिल्कुल क्लियर स्किन आपको मिल जाएगी। एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, ताकि हमारा चैनल और भी ज़्यादा ग्रो करने लगे। एंड नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू सून गाइस, बाय बाय, लव यू ऑल।